alaikum guys, welcome to class 1. I did it on the projector for you. यहाँ पर मैंने आपको वेलकम करने के लिए प्रोजेक्टर पर इसकी स्क्रीन पर लगाया है और सब बहुत ज्यादा खुश होंगे कि वो क्लास केजी से प्रमोट होकर क्लास 1 में आ गए हैं. एंड दिस इज नॉट ही न्यू क्लास, प्राइमरी की ये आपकी फर्स्ट क्लास है. अब आप सब प्री प्राइमरी से प्राइमरी सेक्शन में आ गए हैं. और मैं आपको एक बार बताऊं कि यहाँ पर मेरे पास कुछ नए दोस्त भी मौजूद हैं, जैसे कि हर क्लास में जब आप आते हो ना, न्यू क्लासमेट होते हैं. सो क्लास वन में भी कुछ बच्चे आए और उनका नाम है हारिस. आई नो हारिस आप मुझे देख रहे हो, और तबर और अलीजा और जैनब, वानिया, हसनैन, हमजा, अब्दुल्ला और हदीब, अयान, शकील, अनीक, महद, अरसल और अब्दुल अहद. मोस्ट वेलकम यू गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर क्लास 1. एंड आई होप अगर आप अभी क्लास में होते तो सारे बच्चे जितने भी क्लासमेट हैं आपके, आपको सबको वेलकम करते, और जितने भी पुराने बच्चे हैं, आयशा, हुरैन, शमाइल, वकास, अफान और भी बहुत सारे जितने भी नाम मेरे ध्यान में आएंगे अभी, आई विल कॉल यू. हाँ, जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, आई नो, तो सबको वेलकम, सारे बच्चों को. और हाँ, बातों बातों में मैं एक बात बताना तो भूलिए, इंट्रोडक्शन अपना. आई नो मुझे सारे पुराने बच्चे जानते हैं ना, आप लोग जानते हैं, जोर से बोलिए. यस, व्हाट्स माय नेम, मेरा नाम बता दीजिए, आवाज नहीं आ रही. और मैं बताऊं, मैं अकेला नहीं हूं इस रूम में, यहां पर मेरे एक असिस्टेंट भी मुझे करके देख रहे हैं, हंसने नीचे है, वो आपको नजर नहीं आ रहे होंगे. बट आई कांट हियर यू गाइस, स्पीक अप, हु एम आई, व्हाट्स माय नेम. Yes, you are absolutely right. My name is Ali Sufyan, and this session I'm going to teach you maths. I'm very happy and excited for this, and you are also, and we will enjoy the things. हम बहुत fun के साथ पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें मैंने आपके लिए plan की हैं, what we are going to do, और इस video में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, आपका जो assignment मैं आपको दे रहा हूँ, आपकी copies, आपकी books, और बहुत सारी चीजें. सबको सुनना है ना, समझना है ना, ठीक है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ चीजें मैंने डिजाइन की हैं. और केजी में क्या होता था कि आप थोड़े से टेम्पर्ड होते थे ना, टीचर्स आपको बुक दे रहे हैं, कॉपीज दे रहे हैं, सारी चीजें. लेकिन इस सेशन में प्राइमरी में आपने सारी चीजों को खुद मेंटेन करना है. कौन कौन करने वाला है बहुत अच्छे से कॉपी मेंटेन, बहुत अच्छे से बुक मेंटेन, रेज योर हैंड. Why I'm going to raise my hand, but I will do it myself too. मैं तो अपने हाथ उठा रहा हूँ, मैं अपनी कॉपी बहुत अच्छे से मेंटेन करूंगा. हाँ आयशा, आप करेंगी, हाथ तो उठाइए, हाथ क्यों नहीं उठा रही आप. और हुरैन, और शमाइल, और बकास, अफान आप करेंगे या नहीं करेंगे. कॉपी बहुत अच्छी मेंटेन करनी है. आई विल टेल यू अबाउट एवरीथिंग, और बहुत अच्छे से समझना है. कोई भी कंफ्यूजन हो आप उससे पूछ सकते हो, और इंशाल्लाह जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें आपको बहुत डिटेल बताऊंगा. हाँ, तो कौन कौन मैथ्स पढ़ना चाहता है उससे. हमजा, आपको मेरी बात समझ आ रही है. और कौन कौन है, सबा है हमारे साथ, सबा आपको मेरी बात समझ आ रही है, कॉपी अच्छे से मेंटेन करना है, बुक अच्छे से मेंटेन करना है, तो मैं आपको अभी सारी चीजें बताऊंगा. तो पहली थिंग जो चीज है, वो चीज क्या है, वो है मैथ्स. टेक टू, जो करेक्शन करनी है हमें स्पेलिंग की, मैथ में जो गलती हो गई थी वो, उसकी वीडियो ये, ठीक है. सो गाइस, फॉर दैट यू मस्ट लर्न द स्पेलिंग ऑफ मैथ्स. और हम जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा दैट इज कॉल्ड मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स की पूरी स्पेलिंग होती है, लेकिन उसकी एब्रिविएशन क्या होती है हम लिखते हैं स्मॉल में, मतलब छोटा करके एब्रिविएशन में उसको मैथ्स, ठीक है. तो उसके लिए मैंने कुछ प्रॉप्स इस्तेमाल किए हैं, आपके लिए बनाए हैं, मैं आपको शो कर रहा हूँ, स्पेलिंग बता रहा हूँ मैं आपको. तो फर्स्ट वर्ड इज बेस्टी, दिस इज मैथ्स का एम, फर्स्ट वर्ड फॉर द मैथ्स. यू इफ यू आर गोइंग टू राइट द मैथ्स, उसके लिए आपको फर्स्ट वर्ड क्या लिखना है, एम. ओके, देन ए, एम ए, एम ए, देन T, this is T, so M-A-T,
M-A-T-H, and then the last one is S. So M-A-T-H-S, maths. और ये मेरे बैकग्राउंड पर भी आपको नजर आ रहा है मैथ्स लिखा हुआ, ठीक है। अब मैं एक मैजिक करूंगा, ऑब्वियसली लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, लाइट्स ऑफ होंगी तो आपको ये अच्छे से डिस्प्ले नजर आएगा। सो 1 2 3 लाइट्स ऑफ, करेक्ट। नाउ यू कैन सी, आप देख सकते हो कितना अच्छा लिखा हुआ है। तो मैं पढ़ रहा हूं और मेरे साथ आप नहीं पढ़ना है। एंड व्हाट यू विल डू, यू विल फर्स्ट लर्न द स्पेलिंग ऑफ मैथ्स। जितने भी अच्छे बच्चे हैं वो मैथ्स की स्पेलिंग को याद करेंगे। आई नो कि आपको आती है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। सो आप लोगों ने मेरे साथ इसको करना है, M-A-T-H-S, maths. Very good. आयशा हुरैन, आप क्यों नहीं पढ़ी? साथ पढ़ने में सबके साथ, जैसे दूसरे बच्चे पढ़े, जैसे कि वकास पढ़े, जैसे कि शमाइल पढ़े, अफान पढ़े। अफान की आवाज मुझे आ रही है, आयशा की आवाज मुझे नहीं आ रही। आयशा मेरे साथ पढ़ना है। So this is maths, M-A-T-H-S, maths. M-A-T-H-S, maths. M-A-T-H-S, maths. What the music is there? हाँ, कितना अच्छा म्यूजिक बजाए। So मेरे साथ सबने पढ़ना है, M-A-T-H-S, maths. M-A-T-H-S, maths. Do it again. M-A-T-H-S, maths. M-A-T-H-S, maths. I hope कि आपको अच्छे से remember हो गया होगा। अब एक और magic करूं मैं, क्योंकि आपको मैं नजर नहीं आ रहा हूँ, तो I'm going to do a magic और slides on हो जाएगी। So 1 2 3 Oh, light आ गई है। So and I was telling you the spelling of maths, M-A-T-H-S, maths. ठीक है, सबको आई होप के याद हो गई होगी, और जितने बच्चों को भी याद हो गई है वो मुझे बताएंगे कितने कितने बच्चे को याद हो गई है। हाथ उठाइए। I can tell the spelling. आयशा आप बता सकती हैं, हुरैन आप बता सकते हैं, और अलीजा, नाउ यू नो द स्पेलिंग, सबको याद हो गई, वेरी गुड। अब आपको लेके जा रहा हूं टेबल पे, क्योंकि आप सब ने कोर्स बाय कर लिया है। कितने कितने बच्चों के पास कोर्स है, बुक्स आ गई है, न्यू बुक्स एंड न्यू कॉपीज। हाँ, आप सब खुश होंगे। तो मैं आपको बताऊंगा आपकी कॉपीज के बारे में, कैसे कॉपी मेंटेन होगी, कैसे आउटलाइन लगेगी, क्या चीज करनी है, क्योंकि यू आर गोइंग टू डू इट फर्स्ट टाइम। हाँ, अब हम चलते हैं टेबल की तरफ और वहां बैठ के पेस्टिंग करेंगे, कॉपी को मेंटेन करेंगे और सारी चीजें सीखेंगे। देन आई विल टेल यू व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट। ठीक है, फॉलो मी गाइस। तो वी आर ऑन अ टेबल और आप देख रहे हैं कि मेरे सामने रखा हुआ है आपके क्लास का कोर्स, क्लास वन का, जो आपके पास भी मौजूद होगा। और इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि आपकी कितनी कॉपीज हैं जो आपके कोर्स में आई हैं। आई नो कि यू नो इट, आपको पता है कि कितनी कॉपीज है, डायरी है, वो सारी चीजें मैं अभी आपको बता रहा हूँ। क्लोजअप करके दिखाऊंगा मैं सारी चीजें, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके कौन से सब्जेक्ट की बुक्स और कॉपीज, सारी डिटेल्स वो अभी मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। तो आई एम गोइंग टू जूम इट आउट। अच्छा जनाब, तो अब आपको मैं आपका कोर्स शो करवाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपकी डायरी, दिस वन इज योर होमवर्क डायरी जो आपके पास मिली है, और इसमें अगर आप देखें ये सारी डिटेल्स हैं जो आपने फिल करनी है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ योर मॉम। और ये आपकी होमवर्क डायरी है, यहाँ पे टाइम टेबल और सारी चीज़ें मेंटेन होंगी। एंड दिस वन इज योर होमवर्क डायरी। तो सबसे पहले आ गई आपकी होमवर्क डायरी, और आपकी टोटल कॉपीज कितनी आई हैं आपके पास? 8 कॉपीज। हाउ मेनी कॉपीज यू हैव इन योर कोर्स? 8। हाउ मेनी? 8। तो सबसे पहली कॉपी जो है वो है मैथ्स की, और ऑब्वियसली आपने देख लिया होगा कि ये मैथ्स की कॉपी स्क्वायर बॉक्सेस पे, ठीक है, स्क्वायर बॉक्सेस हैं इसके, मैथ्स की कॉपी है ये आपकी। और उसके बाद आपके पास एक कॉपी और मौजूद है जो कि है इंग्लिश इंटरलीफ, इंटरलीफ कॉपी है ये, ठीक है, और ये आपने बनानी है साइंस की, ठीक है, साइंस की कॉपी हो गई है आपकी। उसके बाद आपकी एक कॉपी और मौजूद है जो कि एक और इंटरलीफ कॉपी है, फोर लाइन इंटरलीफ कॉपी है, ये आपने बनानी है वीई के लिए, ठीक है, ये आपकी वीई की कॉपी है, ठीक। उसके बाद आपके पास मौजूद है इंग्लिश फोर लाइन कॉपी मौजूद है आपके पास जो इंटरलीफ नहीं है, ठीक है, ये आपकी इंग्लिश की कॉपी है। तो
ये बनेगी इंग्लिश की कॉपी, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास मौजूद है सिंगल लाइन उर्दू साइड की कॉपी, ये आपकी उर्दू की कॉपी हो गई एक, ठीक है। एंड देन वी हैव अनदर इंग्लिश कॉपी फोर लाइन, फोर लाइन की आपके पास दो कॉपीज मौजूद है, ठीक है, जो कि इंटरलीफ नहीं है। एक आपकी बनेगी इंग्लिश टेक्स्ट एंड ग्रामर, मतलब उसी में पोर्शन बनेगा, और एक आपकी है टेस्ट कॉपी, ये आपकी टेस्ट कॉपी है जो कि फोर लाइन है, ठीक है, और इंटरलीफ नहीं है, यानी कि फोर लाइन दो कॉपीज मौजूद है आपके पास, जिसमें से आप एक कॉपी बनाओगे इंग्लिश की और एक कॉपी टेस्ट कॉपी है आपकी, ठीक है। एंड नाउ आई हैव अनदर उर्दू सिंगल लाइन कॉपी मौजूद है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पर, और उसको आपने बनानी है इस्लामियत के लिए, ठीक है, ये आपकी इस्लामियत की कॉपी हो गई। और एक और आपके पास उर्दू सिंगल लाइन कॉपी मौजूद है जो कि आपकी टेस्ट कॉपी है, ठीक है, देख लिया आपने। और उसके बाद आपकी ये ड्राइंग बुक, दिस वन इज योर ड्राइंग बुक, तो ये तमाम हो गई, यानी कि एट कॉपीज हो गई, ठीक है, यानी कि सारे सब्जेक्ट की एक एक कॉपी है, एक मैथ्स की हो गई, इंग्लिश की हो गई, बी ही हो गई, साइंस की हो गई, इस्लामिक की हो गई, एंड दो आपकी जो है वो टेस्ट कॉपीज हैं उर्दू और इस्लाम, उर्दू और इंग्लिश की, तो ये डायरी आपकी आ गई। और इसी तरीके से बुक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया मैथ्स की बुक अभी मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाई थी, काउंटडाउन बुक वन ऑक्सफोर्ड की, ठीक है, उसके बाद आपके पास ऑक्सफोर्ड की उर्दू की बुक है मोतिया, ये आपकी उर्दू की बुक है, ऑब्वियसली बहुत कलरफुल है और आप लोग देख सारी चीज़ों को आपने गो थ्रू कर लिया होगा। इस्लामियत ई आर आई बुक वन, और स्पेक्ट्रम की आपके पास साइंस की बुक मौजूद होगी, ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से व्यू क्लियर हो रहा है इसका, ठीक, और स्पेक्ट्रम की बुक है ये साइंस की, और स्पेक्ट्रम इंग्लिश होगी आपके पास, ठीक, आपकी सिक्स बुक्स हैं, और इसमें से बी की बुक अभी मिसिंग है गाइस, हाँ, एज वी टोल्ड यू कि वो प्रिंटिंग के लिए गई हुई है और वो जैसे ही आएगी तो हम आपको देंगे, ठीक है, जब उसकी वर्किंग होगी। अभी फिलहाल हम अब आई होप आपको समझ आ गया होगा, और अब मैं आपको बता रहा हूँ कॉपी मेंटेनिंग। ओके गाइस, तो अब हम करेंगे कॉपी को मेंटेन, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कॉपी है आपकी, और इसके साथ आपको प्लास्टिक कवर्स मिले थे, देखिए मैंने चढ़ा दिया इसके ऊपर, ठीक है, और नाम वगैरह मेंशन कर लोगे आप लोग यहाँ पर अपना, और कवरिंग करेंगे सबसे पहले आप, ताकि आपकी कॉपी सेफ रहे, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ है जनाब, इस तरीके का आपको एक अदर तेज मिला है आपकी वर्किंग के साथ, ये सबको नजर आ रहा है डिस्प्ले पे, ठीक है। इसके अंदर तीन चीजें हैं आपकी, सबसे पहले क्या हो गया इसके अंदर, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मिड टर्म की टैगिंग को पेस्ट करेंगे पेज पर, और मैं अभी आपको सारी चीजें बताऊंगा, और उसके बाद आउटलाइन लगेगी आपकी ये वाली नीचे वाली, और उसके बाद आपने चैप्टर की टैगिंग करनी है, दैट इज द पीक इनटू द पास्ट, पीक इनटू द पास्ट, और ये आप इसे कोई भी खुद कटिंग नहीं करेगा, व्हाट यू विल डू, यू मस्ट हैव अ सीजर, इसके साथ आपने कटिंग करनी है इसकी, और आपने अपने पेरेंट्स की हेल्प के साथ इसको कट करना है, ताकि नीटनेस के साथ कट हो जाए, ठीक है। और क्या करना है, इसको कट करने जा रहा हूं, सो अच्छा कि आप कट कर लेना आपने, अच्छा जरा कटिंग कंप्लीट हो गई है, आई होप आप सबकी भी हो गई होगी, देखिए कितनी नीटनेस के साथ कटिंग की है ना मैंने, this one and this one, ये ठीक है, तीन pictures है हमारे पास, ठीक है, उसमें क्या है, सबसे पहले midterm की checking and then the outline which you will paste on the next page and then the chapter peek into the past। चलिए जनाब, तो क्या किया हमने, हमने मेरी कटिंग देखे आप कंप्लीट हो गई है, जो आपको टैगिंग्स की कटिंग पेपर मिला हुआ था उसको मैंने कट कर लिया, ये मेरी तीनों टैगिंग कट हो चुकी हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी दिखाया। और उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि मैंने कॉपी के ऊपर कवरिंग भी कर ली है, ताकि मेरी कॉपी सेफ रहे, हाँ, और जो सबसे अच्छी कॉपी मेंटेन करेगा और थ्रू आउट द ईयर उसकी कॉपी बहुत अच्छी रहेगी, तो मैं उतने ही अच्छे रिमार्क्स भी दूंगा उसकी कॉपी में। और बहुत अच्छा लगता है कि अगर आपकी कॉपी नीट हो, तो आप सब ने प्रॉमिस करना है कि आप सब अपनी कॉपी को बहुत ज़्यादा नीट रखेंगे, और तमाम डिटेल्स इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप अपनी कॉपी को ओपन करते हो, तो सबसे पहले आपको इंडेक्स पेजेस नज़र आ रहे हैं, इंडेक्स नज़र आ रहा है जो कि दो पेजेस पर मुश्तमिल है, ये टू पेजेस आपके इंडेक्स पेजेस हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है इंडेक्स। और आई नो कि आपने पहले नहीं मेंटेन किया है उसको सारी चीज़ों को, सो आई विल टेल यू अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, इंडेक्स के टू पेजेस हैं, यहाँ से फिर कॉपी स्टार्ट है, आपको अच्छे से नज़र आ रहा है, व्यू हो रहा है, अच्छा जरा
अब मैंने आपको जैसे कि बताया था कि आपने सबसे पहले मिड टर्म की टैगिंग को पेस्ट करना है, कट हो गई है ये मिड टैगिंग, और सब जो भी बच्चा इसकी पेस्टिंग करेगा आपने स्टेपलर के पेंस को यूज़ नहीं करना है, ना ही आपने लिक्विड ग्लू को यूज़ करना है, आपने कोई भी ग्लू स्टिक से पेस्टिंग होगी। सो आई होप यू हैव अ ग्लू स्टिक, सबके पास मौजूद है ना ये ग्लू स्टिक। क्या करना है, लिक्विड ग्लू यूज नहीं करना है, ना ही स्टेपलर करना है। सो व्हाट यू विल डू, यू विल यूज दिस स्टिक, और ये इजी रहता है ना यूज करने में, और पेज भी इससे खराब नहीं होता। तो आई एम गोइंग टू पेस्ट इट अप। अब मैं आपको पेस्टिंग बता रहा हूँ, मैं अपनी पेस्टिंग कर रहा हूँ, और आप भी मुझे पता है कि मेरे साथ कर रहे होंगे पेस्टिंग। कौन कौन कर रहे हैं पेस्टिंग? आयशा, पेस्टिंग हो गई आपकी? पुरैन, एंड व्हाट अबाउट वकास? अच्छा जी, शमाइल, आपकी पेस्टिंग हो गई है? आई नो कि आप लोगों की कटिंग और पेस्टिंग ये सारी चीजें मेरे साथ साथ कर रहे होंगे, और बहुत अच्छे से कॉपी मेंटेन करके आप मुझे देंगे। सो आई एम गोइंग टू राइट, आई एम गोइंग टू पेस्ट इट अप हियर। ये देखिए, इजीली मैंने क्या किया, ग्लू स्टिक लगाई है और अपनी पेस्टिंग को मैंने मुकम्मल कर लिया। तो फर्स्ट पेज पर मेरी मिड टर्म की टैगिंग आ गई है। कितनी अच्छी लग रही है ना। सबकी हो गई कंप्लीट पेस्टिंग? वेरी गुड। आप देखो कितना अच्छा मैंने डिजाइन करवाया आप लोगों के लिए, थोड़ा कार्टूनिक कलर किया है, और उसको इस तरीके से आप चाहें तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पिल कलर कर सकते हो, ठीक है, कलरिंग कर सकते हो, या आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, आप स्टार्स लगा लें, कोई और कार्टून लगा लें पेस्टिंग करके, और कॉपी को बहुत वेल डेकोरेट करके आपने मुझे देनी है, और मैं जितनी अच्छी वेल डेकोरेट आपकी कॉपी होगी, जितनी अच्छी मेंटेन हुई होगी, आई विल गिव यू सम गुड कमेंट्स ऑन इट। आपको मैं स्टार्स और टैगिंग वगैरह स्टैम्प्स, अच्छी स्टैम्प्स के साथ मैं आपको भेजूंगा, अच्छे रिमार्क्स के साथ भेजूंगा, ठीक है। ये पेस्टिंग हुई, देन हमने क्या करना है, उसके बाद आउटलाइन हम पेस्ट करेंगे अपनी, ठीक है, ये वाली आउटलाइन। सो आई एम गोइंग टू पेस्ट इट हियर, उसको मैंने यहाँ पेस्ट करना है। अच्छा मैं ऐसे देख लेता हूँ, ये यहाँ ऐसे नहीं आएगी, ऐसे करके पेस्ट करना पड़ेगा इसको। तो उसके लिए भी व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं मेरे पास है ये ग्लू स्टिक, और इसको आपने अच्छे से यूज़ करना है। कौन कौन ग्लू स्टिक यूज़ कर रहा है भाई? सारे बच्चे ग्लू स्टिक यूज़ कर रहे हैं ना, कोई लिक्विड ग्लू तो यूज़ नहीं कर रहा। लिक्विड ग्लू यूज़ करेंगे तो आपका पेपर क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, हाँ, और वो ड्राई भी देर में होगी, है ना। सो ये लिक्विड ग्लू आपने यूज़ करनी है, UHU की या जो भी आपके पास मौजूद है, ठीक है। तो ये हो गया, और अब इसकी पेस्टिंग होगी, यहाँ आ गया, ठीक है। मैंने क्या करना है, इस पेज के सेंटर में इसको पेस्ट करना है, तो मैंने इसको यहाँ रखा, और इस तरीके से इसको आई एम गोइंग टू पेस्ट, और इसको देख लीजिएगा कि ये स्ट्रेट हो, सीधा पेस्ट हो, ठीक है, नीटनेस के साथ, अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले क्या हुआ, मेरी मिड टर्म की टैगिंग आ गई, और उसी पेज के बैक पे मैंने क्या किया, अच्छे से सिलेबस आउटलाइन को पेस्ट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद जो थर्ड है टैगिंग चैप्टर की, पीक इनटू पास्ट, ऑब्वियसली इसका मतलब क्या होता है कि पास्ट में झांकना है, झांकना मतलब रिवीजन करना है। तो मैंने अभी आपको बताया था ना, काउंटिंग और वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको दी हैं, काउंटिंग इन वर्ड्स और ऑल दीज थिंग्स, इसके बाद आपने करना है, यानी कि उससे पहले टैगिंग लगाई गई है हम, तो मैं इसको लगाने जा रहा हूँ। ग्लूस्टिक, ये लिपस्टिक की तरह आप यूज़ कर रहे होते ना इसको, लिपस्टिक यूज़ करती होंगी सारी गर्ल्स, हाँ गर्ल्स आप लोग कर रहे हैं लिपस्टिक यूज़, वैसे अच्छी बात नहीं होती कि बच्चियाँ जो है वो लिपस्टिक लगाएं। मेरे असिस्टेंट जो है ना यहाँ पर बैठे हुए सर हसन, वो लिपस्टिक लगाती हैं। आई एम जस्ट किडिंग, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो बॉयज तो खैर यूज़ नहीं करते ना, गर्ल्स यूज़ कर रही होती हैं। तो इसको खैर मैंने अच्छे से पेस्टिंग कर ली, लिक्विड ग्लू स्टिक लगा ली है मैंने, साइड्स कॉर्नर को मैंने अच्छे से पेस्ट करना है। सब मेरी बात सुन लीजिए, कॉर्नर जो है वो अच्छे से पेस्ट हों ताकि वो निकले ना, ठीक है। और मैं ये चेक करूँगा, मैंने अभी आपको बताया, आई एम गोइंग टू चेक कि कौन सबसे अच्छी कॉपी को मेंटेन कर रहा है, और किसने जब मेरे पास चेकिंग के लिए आएगा तो मैं ये सारी चीजें देखूंगा। दिस यस तम तम तो मेरी तीनों चीजें हो गई हैं, सबसे पहले मिड टर्म की टैगिंग, उसके बाद आउटलाइन, और उसके बाद चैप्टर की टैगिंग। सो आई हैव डन माय वर्क, आई होप कि आपको ये पेस्टिंग समझ में आ गई होगी, ठीक है। कॉपी को ऐसे मेंटेन करना है, और एक चीज और मैं आपको बता दूं, खुद नहीं करना है, आपने अपने पेरेंट्स की हेल्प के साथ ये करना है, कोई भी आपके घर में मौजूद है, आपने पेज नंबर मेंशन करने हैं,
आपने पेस्टिंग कर ली। इंडेक्स के बाद जो पहला पेज है उसके ऊपर आएगा वन, छोटा सा आपने लिखना है यहां पर, ठीक है। और उसके बाद यहां पे आपने मेंशन नहीं करना है, आपने यहां मेंशन करना है क्या, टू। ये पेज नंबर आपने मेंशन करना है ताकि आपको इंडेक्स बनाने में हेल्प हो। और उसके बाद क्या होगा यहां पर, थ्री एंड देन फोर एंड देन फाइव और फिर सिक्स। तमाम पेजेस पर आपने इस तरीके से नंबर्स को मेंशन करना है। अगर आपसे हो पाता है ठीक से तो आप इसको कीजिए, ठीक है। अगर आप क्लास में मौजूद होते तो मैं आपको करवाता साथ में खड़े होकर, लेकिन अभी आपके पास घर में पेरेंट्स हैं, उनके हेल्प के साथ आपने पूरी कॉपी के ऊपर अच्छे से तमाम सीरियल वाइज नंबर को मेंशन करना है ताकि आपका इंडेक्स बने। और ये पूरी कॉपी के अंदर इसी तरीके से नंबर डाले जाएंगे, इज दैट क्लियर, ताकि आपका इंडेक्स मेंशन, जब आप इंडेक्स बनाओगे तब आप उसमें मेंशन कर सको, इज दैट क्लियर। तो ये कॉपी मेंटेनिंग की वीडियो, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो अब हमारा इंट्रोडक्शन भी हो गया, कॉपी भी मेंटेन हो गई, मैंने आपको कोर्स के बारे में भी बता दिया। चलते हैं कहाँ पर, द फर्स्ट असाइनमेंट विच यू आर गोइंग टू डू, जो आपको असाइनमेंट करना है। चलो चलते हैं।